हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम मीनल महेश्वरी। सो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ द सर्मन एट बनारस। तो ये लास्ट चैप्टर है हमारे प्रोज का, इसके बाद सप्लीमेंट्री का पोर्शन मैं पढ़ाने वाली हूँ। सो सर्मन क्या होता है? एक रिलीजियस स्पीच, अगर एक वर्ड में बोलें। अब ये किसके द्वारा दी गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा बनारस में दी गई थी, तो द सर्मन एट बनारस। अब गौतम बुद्ध की लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। देन हमें द सर्मन एट बनारस जो मेन के बारे में हमें जानना है। गौतम बुद्ध की लाइफ में बहुत सारे लोग जानते होंगे उनकी लाइफ में। ही वॉज अ प्रिंस, नॉर्थन इंडिया के प्रिंस थे वो, सन ऑफ किंग सुधोधना। तो उनकी लाइफ नॉर्मल लाइफ नहीं थी, बहुत ही रॉयल्टी भरी लाइफ थी। जब विद्वानों ने उनका नामकरण किया तो उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। और ये नामकरण के साथ ही एक चीज़ और बता दी विद्वानों ने, या तो ये बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा बनेंगे और या फिर एक बहुत ही रिलीजियस पर्सन बन जाएंगे, यानी कि साधु संत महात्मा टाइप। और बनेंगे, उसमें भी बनेंगे तो सुप्रीम, दोनों में बनेंगे सुप्रीम ही। तो अब इनके पिता को टेंशन होने लगी कि अगर कहीं लीडर रिलीजियस में चला गया मेरा बेटा, तो हमारा राज्य कौन संभालेगा और मैं अपने बेटे को भी खो दूंगा। तो उन्होंने सल्यूशन पूछा, वो जो विद्वान थे तो उन्होंने सल्यूशन बताया भी, क्योंकि उस टाइम के विद्वान सच में काफ़ी ज़्यादा विद्वान होते थे। कौन थे? काला देवला विद्वान थे। उन्होंने ही भविष्यवाणी की थी कि या तो चक्रवर्ती बनेंगे या तो सुप्रीम रिलीजियस लीडर बनेंगे। तो अब इसका सल्यूशन क्या था कि उनके जो भी चीज़ें हो, केवल उन्हें अच्छी चीज़ें दिखाई जाएं, पॉजिटिव चीज़ें, कोई भी संत महात्मा जैसी चीज़ ना दिखाई जाए, ना ही किसी दुख का उनको सामना करना पड़े, कोई बूढ़ा व्यक्ति ना देखें वो, कोई दुखी व्यक्ति ना देखें। तो इस सब चीज़ों से उन्हें बचा कर चलना होगा और तभी वो चक्रवर्ती बन सकते हैं, नहीं तो उनका अगर थोड़ा भी ध्यान भटका तो वो इस रूट पे निकल जाएंगे। अब किंग सुधोधना ने भी अनाउंस कर दिया। क्या चीज़ अनाउंस की? तो दो तीन चीज़ें मेन थी, जैसे कि कोई भी अनहैप्पी पीपल प्रिंस सिद्धार्थ के आगे नहीं आ सकता है, नॉट अलाउड। कोई भी रिलीजियस थिंग नहीं आ सकती, जैसे कि जो संत महात्मा के कपड़े होते वो सारी चीज़ें पहने कोई इंसान उनके सामने नहीं आ सकता है। एंड बहुत जगह तो ऐसा भी बोलते कि एक गार्डन में एक जो पहले ग्रीन लीव होती है देन वो येल्लो हो जाती है, तो वो येल्लो लीव तक, जहाँ वो गार्डन में जिस गार्डन में जाते थे वो एक येल्लो लीव तक उनके जो फादर थे वो नहीं रहने देते थे, क्योंकि उससे भी शायद उनको दुख हो जाए, क्योंकि वो लीव क्या होती है, बाद में गिर जाती है। तो इसलिए वो सारी चीज़ें भी प्रिवेंट की जाती थी, उनसे भी जो प्रिंस है उनको दूर रखा जाता था। उन्हें परमिशन नहीं थी बाहर जाने की, क्योंकि बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो देखेंगे ही वहाँ पे, तो इसलिए उनको परमिशन नहीं थी। एट 12 ईयर्स वो भेज दिए गए कहाँ पर? स्कूलिंग के लिए, बिकॉज स्कूलिंग तो ज़रूरी है। और कहाँ स्कूलिंग के लिए, किस चीज़ की? तो हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, वो एक हिंदू फैमिली से थे तो उन्हें हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स के लिए भेजा गया पढ़ने के लिए। एट 16 वो वापस आ गए। अब वापस आकर क्या था, तो उनकी मैरिज करा दी गई एक बहुत ही अच्छी प्रिंसेस के साथ। तो उनकी मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छे से रॉयल्टी से 10 ईयर्स तक चलती है, उनका एक बेटा भी होता है। तो 10 ईयर्स तक वो बहुत ही आराम से, बहुत ही रॉयल्टी भरी लाइफ, प्रिंस की लाइफ। एंड अब धीरे धीरे राजा बनने वाले थे वो, सो वो सारी चीज़ें बहुत आराम से 10 ईयर्स तक वो अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। 25 की एज में एक दिन वो हंटिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा तो अलाउ करना ही पड़ेगा, बिकॉज अब वो आने वाले टाइम में किंग भी बनने वाले थे, तो हंटिंग के लिए जा रहे थे। अब ये कई जगह पर हमारी बुक में तो हंटिंग दिया है, बट कुछ
लोगों का कहना है कुछ और, कहीं और जा रहे थे या कुछ, तो वहाँ पे अब क्या दिखता है उन्हें, सफरिंग्स ऑफ लाइफ, लाइफ की बहुत सारी दिक्कतें। अब वो कौन कौन सी हैं तो लाइन बाय लाइन हम उन्हें दिखती है। सो सबसे पहले तो उन्हें दिखता है एक बीमार व्यक्ति, सिक पर्सन। तो अब बिकॉज वो तो कभी किसी बीमार इंसान को देखे ही नहीं है, तो सिद्धार्थ बोलते हैं ये इंसान क्यों ऐसे लेटा हुआ है, बिकॉज वो इंसान किसी चीज़ पे बेड पे या कहीं पे लेटा हुआ होता है, रेस्ट कर रहा होता है। तो उनका जो सैनिक होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊं। तो सिद्धार्थ क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम मुझे ये सारी चीज़ें बताओ। तो सैनिक बोलते हैं कि ये सिक पर्सन है या इल पर्सन है। तो सिद्धार्थ को आ सकते तो सिक का मतलब भी नहीं पता, तो वो बोलते हैं व्हाट इज़ सिक। तो सैनिक बोलते हैं जब कोई सही तरीके से सफिशियंट फूड नहीं पाता है या किसी अन्य वजह से वो क्या हो जाता है, डिज़ीज़ उसको हो जाता है या फिर उसकी हेल्थ में दिक्कत आ जाती है, तो उसे कहते हैं सिक पर्सन। तो अब सिद्धार्थ को पहला तो यहाँ पे सफरिंग दिख गई लाइफ की। अब और आगे बढ़ते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है। अब वो झुका हुआ होता है क्योंकि बूढ़े थोड़ा सा झुक जाता है वो। सो अब सिद्धार्थ ने अगेन ये भी नहीं देखा है कभी, तो सिद्धार्थ बोलते हैं अब ये क्या है। तो सैनिक बोलता है ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो कहते हैं ये क्या होता है, तो वो डिस्क्राइब करता है कि आफ्टर यंग एज एक ऐसी ही, कह सकते हैं एक ऐसी ही एज आती है जब आप दूसरों पर सपोर्टेड हो जाते हो लाइक अ चाइल्ड। सो अब उन्हें ये भी चीज़ समझ में आती है। और आगे बढ़ते हैं तो अब उन्हें एक फनरल प्रोसेशन दिखता है। ये क्या है, अगेन उनका अगेन क्वेश्चन होता है ये क्या है। तो अब ये बोल जो उनका सैनिक है वो बोलता है कि यंग एज के बाद तो एक एज जो पर्सन होते हैं बूढ़े, बूढ़े लोगों के बाद या फिर एक लाइफ की एंडिंग जो होती है वो होती है ये डेथ। अब उन्हें डेथ का तो मीनिंग पता नहीं है, तो बोलते हैं डेथ क्या मैं भी मरूंगा कभी, क्योंकि उन्हें तो ऐसा कुछ पता नहीं है। तो बोलते हैं ऐसा सैनिक जो है कि हाँ एक दिन सबको मरना है, तो हर इंसान मरेगा। अब वो इतनी सारी चीज़ें देख लेते हैं तो उनके बहुत हर्ट फील करते हैं वो कि ऐसे पूरी लाइफ हमारी भी चली जाएगी। लास्ट में देखते हैं एक साधु को। अब उन्होंने तो कभी एक प्रीस्ट को भी नहीं देखा होता है, तो साधु को जब वो देखते हैं एक मॉन्क को, तो वो अब उसके कपड़ों के बारे में पूछते हैं कि ये इसने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं और ये क्या मांग रहा है। तो सैनिक बोलता है अगेन कि ये अपने जीवन के जो कष्टों से परेशान हो चुका है इसलिए ये एक साधु बन गया है। तो साधु बन गया है, मॉन्क बन गया है, तो इसके बारे में वो थोड़ी चीज़ें पता करते हैं कि ये क्या है। फिर वो आधे रास्ते से ही वापस चले जाते हैं हंटिंग किए बिना, हंटिंग तक पहुंच भी नहीं पाते हैं कि उनकी जो ये सारी चीज़ें देखकर उनका बहुत ज़्यादा विचार चेंज होने लगता है। अब विचार बदला तो क्या है, उन्होंने राजा जो उन्हें बनना था उसकी जगह वो मॉन्क बनना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वो जो मॉन्क है वो ज़्यादा शांति से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है और सारी जगहों जो उन्होंने फनरल देखा या फिर जो भी एजेड मैन देखा उससे अच्छी उनको मॉन्क की लाइफ लगी। तो वो भी इसलिए उन्होंने क्या हुआ, रात में ही वो अपने जो महल था उनका उससे बाहर निकल गए और 7 साल तक इधर उधर घूमते रहे किसी चीज़ की खोज में कि वो कैसे उस ज्ञान की प्राप्ति करें। तो फाइनली वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं और किसका रास्ता चुनते, तो मेडिटेशन का रास्ता। और वो सोच लेते हैं, मान लेते हैं, बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लेते हैं ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वो क्या करेंगे, यहीं पर
पीपल के पेड़ के नीचे अपनी मेडिटेशन करते रहेंगे। तो आफ्टर 7 डेज उन्हें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, यानी कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो जो ट्री था पीपल ट्री, उसका वो नेम रख देते हैं बोधी ट्री। बोधी ट्री मतलब ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का ट्री, क्योंकि उन्हें उसके नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई इसलिए। अब यहां से वो बन जाते हैं बुद्ध। अब वो सिद्धार्थ ना रहकर गौतम बुद्ध बन जाते हैं। अभी तक उनका नाम था सिद्धार्थ, प्रिंस थे, तो अब वो बन जाते हैं बुद्ध और उन्हें पूरी तरह से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब वो क्या सोचते हैं कि मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बट मैं इसे पूरी दुनिया में फैलाना चाहूँगा। तो यहाँ अब आता है मेन, द सरमन एट बनारस। उनकी जो फर्स्ट सरमन होती है वो होती है बनारस में, और इसीलिए ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा होली प्लेस पे होती है। रिवर गंगा गौतमी, एक लेडी जिसका एक सन था, वो भी डाइड, मतलब अब वो मर चुका है सन, तो वो बहुत दुख में है। और वो क्या करती है, अपने सन को, जितने भी उसके नेबर्स हैं सबके पास जाती है, पूछती है कि क्या आपके पास कोई मेडिसिन है, प्लीज़ आप मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। सो सारे लोग उसको क्या बोल समझने लगते हैं कि उसे इतना ज़्यादा शोक हो गया है कि उसका दिमाग ख़राब हो गया है। लोगों को तो यही लगेगा कि वो अपने सेंस खो चुकी है, क्योंकि उसका बेटा तो मर चुका है। तो अब उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, एक बहुत सज्जन इंसान कह सकते हैं। वो बोलता है कि मेरे पास मेडिसिन तो मैं नहीं दे सकता, बट क्या है, बट आई नो अ फिजिशियन जो क्या कर सकता है, तुम्हारी हेल्प कर सकता है तुम्हारे बेटे को सही करने में। तो अब वो पूछती हैं कौन है वो, कीसा गौतमी पूछती हैं कौन है वो, कौन ऐसा इंसान है जो मेरे बेटे को ठीक कर सकता है। तो अब वो रिप्लाई में क्या देते हैं कि गो टू शक्यमुनि, शक्यमुनि यानी कि गौतम बुद्ध, द बुद्ध। तो अब क्योंकि अब एक रास्ता तो मिल ही गया कीसा गौतमी को, तो अब वो बहुत जैसे भी हो पाता है वो तुरंत बुद्ध के पास पहुंचने का ट्राई करती हैं। अब वो जाकर वहाँ पे उनके चरणों में गिर जाती हैं, तो चरणों में गिरकर कहती हैं कि प्लीज़ आप मेरे बच्चे को के लिए कोई मेडिसिन दे दीजिए, सो दैट मेरा बच्चा क्या है ठीक हो जाए। अब बुद्ध रिप्लाई करते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक मेडिसिन दे दूँगा, बट तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अब वो भी लाइक हाँ ज़रूर मैं तो करूँगी अपने बेटे को बचाने के लिए। तो बुद्ध कहते हैं कि मुझे एक मुट्ठी बस मस्टर्ड सीड चाहिए। अब मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों का बीज, तो मस्टर्ड सीड चाहिए बस, तुम ये ले आओ मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूँगा। तो कीसा गौतमी कहती है बस इतनी सी बात, मैं तुरंत ले आती हूँ। अगेन बुद्ध कहते हैं कि हाँ ये लेके आना, बट किसके घर से, जिसके यहाँ किसी की डेथ नहीं हुई हो, यानी कि किसी की भी, किसी ने अपने बच्चे को ना खोया हो या हस्बैंड को ना खोया हो या फादर को ना खोया हो, ऐसी जगह से तुम एक मुट्ठी मस्टर्ड ऑयल ले आना। अब कीसा क्या करती हैं, सबके घर जाती हैं, लोगों से पूछती हैं, तो जहाँ जा कोई भी दे देता है मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी चाहिए होता है। तो लेकिन जब लोगों से पूछती हैं कि क्या आपके घर में किसी की डेथ हुई है, तो लोग कहते हैं कि हमें आप हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, जो हो गया है अब हम उसे भूलना चाहते हैं, अब फिर से वो आप दुख मत याद दिलाइए हमें। बट ऐसा कोई घर नहीं मिलता है जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो। कीसा गौतमी थक जाती हैं, और अब जो रात के अंधेरे में वो बिल्कुल होपलेस होकर लाइट्स को देखने लगती हैं, जो भी सिटी में लाइट जल रही होती है उसको देखती हैं, जलती है बुझती है, जलती है बुझती है। एक टाइम ऐसा आता है जब वो बिल्कुल ही बुझ जाती है। अब कीसा गौतमी को समझ में आ जाता है कि आखिर उन्हें समझाना क्या चाहते थे, जो बुद्ध थे वो क्या समझाना चाहते थे कि जिसकी डेथ हो चुकी है वो वापस नहीं आ सकता और सबकी डेथ होनी ही होनी है। अब वो सोचती हैं कि कितनी मैं सेल्फिश हूँ, क्योंकि डेथ तो सबके लिए कॉमन है।
तो यहाँ पे अब हमें जो मेन प्रवचन या सरमन जो होता है वो पूरा हमें सरमन ही बताया गया है कि अब बुद्ध जब किसा गौतमी समझ जाती हैं, वो बुद्ध के पास वापस जाती हैं, तो बुद्ध उन्हें क्या कहते हैं। मैं पूरा का पूरा सरमन वैसे ही बता देती हूँ, हिंदी में समझ में आ जाएगा, देन NCERT से गो थ्रू कर लेना, बस हो जाएगा। सो वो बोलते हैं, उठो पुत्री, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुख या परेशानी से गुजर रहा है। ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे जो भी जन्मा है वो मरे नहीं, मतलब मृत्यु सबको ही आनी है। प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु मिलती है, यही जीवित प्राणियों की प्रकृति है। जैसे पके हुए फल को गिरने का डर होता है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति जो भी जन्मा है उसे मरने का खतरा होता है। जैसे कुम्हार के बर्तन बनाए टूट जाते हैं, उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति और संसार की समाप्ति की ओर बढ़ता है। भले वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, मूर्ख हो, ज्ञानी हो, सबको एक ना एक दिन मरना है। और एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, एक बंधु अपने संबंधी को नहीं बचा सकता, क्योंकि मृत्यु ही इस संसार का सत्य है, बाकी सब मोहमाया है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार के नियमों को जानते हैं और वे कभी दुखी नहीं रहते हैं। ना रोने से ना दुखी होने से किसी को मन की शांति मिलती है, इसके विपरीत उसका दुख बढ़ता चला जाता है, उसके शरीर को कष्ट मिलता है, वह स्वयं रोगी हो जाता है, परंतु उसे शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वह जो शांति की खोज में है उसे शोक, शिकायत, दुख के तीर को निकाल देना चाहिए। जो इस तीर को निकाल देता है वह मन की शांति प्राप्त करता है। वह जो अपने दुख पर पूरी तरह से काबू पा लेता है उसे दुख से मुक्ति और आशीष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हमारा सरमन खत्म होता है, पूरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और SST कंप्लीट है, इंग्लिश भी कंप्लीट होने वाला है, तो अगर कुछ भी SST में बचाओ या इंग्लिश में प्रोज पोएट्री कुछ भी बचाओ तो देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।